हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूँ मैं आप सबके सामने फिर से एक यूनिक शेयर लेकर। चलिए आपको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे नए नए यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है HFCL लिमिटेड। इस कंपनी में अभी भी एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी को 67 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर इस कंपनी को कंपनी की सब्सिडरी कंपनी STL लिमिटेड को मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करेगी। ये ऑर्डर इस कंपनी को इंडिया की एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को अप्रैल 2024 तक पूरा करना है। अभी कुछ दिन पहले इसका Q2 रिजल्ट आया था और इसका रिजल्ट नेगेटिव आया था। इसका रेवेन्यू ईयरली 1173 करोड़ से कम होकर 1111 करोड़ और क्वार्टरली 995 करोड़ से बढ़कर 1111 करोड़ हो गया था। सिर्फ इसका जो रेवेन्यू था वो क्वार्टरली ही बढ़ा था, ईयरली कम हुआ था। इसका नेट प्रॉफिट ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही कम हुआ था। इसका नेट प्रॉफिट ईयरली 84 करोड़ से कम होकर 70 करोड़ और क्वार्टरली 76 करोड़ से कम होकर 70 करोड़ हो गया है। इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया नेगेटिव आया था, खास था नहीं बट डिक्लाइन ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। इस कंपनी का पूरा नाम हिमाचल फ्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड है। ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन एंड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ हाई केबल, हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल्स को बनाने का काम करती है। इसका मार्केट कैप 9548 करोड़, पी रेशो 31.23, ROE 8.58% और डेब्ट टू इक्विटी 0.25 है। इसके MD CEO मिस्टर महेंद्र नहाता है और ये कंपनी 1987 में बनी थी। इसमें FIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। जून 2023 में FIs का स्टेक इसमें 7.53% था और अब बढ़कर सितंबर 2023 में 8.35% हो गया है। इसमें रिटेल का 49.70%, प्रमोटर्स का 37.84%, FIs का 8.35%, म्यूचुअल फंड्स का 4.30% और DIIs का 0.34% स्टेक है। तो इससे जुड़ी हुई नई खबर आई थी, इसलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे रोजाना आपको ऐसे नए नए यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जब कल मंडे को मार्केट ओपन होगी तो आप देखेंगे कि जो मार्केट है उसके ऊपर असर रहेगा। जो एग्जिट कल इलेक्शंस के वो आज जो इलेक्शंस की एग्जिट पोल आएगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट अप या डाउन होगी, तो उसके रिजल्ट आज आ जाएंगे और कल मिजोरम के आएंगे, पर मैक्सिमम रिजल्ट आज ही आ जाएंगे। तो और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हो सकता है हमें निफ्टी फिफ्टी हमारी जो मार्केट है वो अप ही जाएगी, डाउन जाने के चांसेस कम है। थोड़ी बहुत डाउन गई तो इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से जाएगी, अदरवाइज डाउन का कोई सीन है ही नहीं। अब मार्केट अप ही है जनवरी तक, 19 जनवरी या 19 फरवरी तक हमारी मार्केट अप ही रहेगी। और हमारा जो अब निफ्टी का टारगेट है, मेरी तरफ से निफ्टी का टारगेट 20,500 का है और बहुत जल्दी हम इस हफ्ते या अगले हफ्ते में निफ्टी के 20,500 के टारगेट देखेंगे। चलिए अब मैं कल मिलूंगा एक नए शेयर के साथ, धन्यवाद।